तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आज भी ये मिसकंसेप्शन होगा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो कि डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर में सिर्फ अपने बच्चों को संभालती हैं, घर का काम करती हैं, तो भी आपको प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने 50s में हैं या अपने लेट 40s में हैं और आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, आपकी नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, तो भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। और अगर आप टीनेज में हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्नेज हो रहे हैं, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी हो सकता है कि ये प्रोटीन की कमी के लक्षण हो। तो प्रोटीन आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए एंड आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन आप दूर कर दीजिए कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जो कि जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं मेरी तरह और आप बस अपना ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, तो भी आपको डेली बेसिस पे जितना आपका वेट है, सपोज आपका वेट 70 kg है, तो आपको 70 g प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी स्किन बिल्कुल डल हो चुकी है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपके अंदर स्टेमिना की कमी है, तो ये सभी जो है प्रोटीन के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं और पर आसान भाषा में एंड जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इस प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप मैन हैं, आप विमेन हैं, दोनों के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओजीवा के प्रोटीन एंड हर्ब्स के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओजीवा ने मैन एंड वीमेन के लिए दो अलग अलग प्रोटीन्स निकाले हुए हैं, लेकिन प्रोटीन मैन एंड वीमेन के लिए अलग नहीं होता। अगर आप इन दोनों के ही न्यूट्रिशन कंटेंट चेक करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हर्ब्स की बात की गई है, तो मैन वाले में मैन के लिए जो ज़रूरत है जिस हर्ब्स की, वो डाली गई है, और वुमेन के लिए जिन हर्ब्स की ज़रूरत है वो वुमेन वाले में डाली गई है, ठीक है। लेकिन मैं वापस ये चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि प्रोटीन कोई, जैसे वे प्रोटीन है ये सप्लीमेंट, तो वे प्रोटीन दूध से बनता है। और एक आपको एस्टिमेट दे देता हूँ कि 700 लीटर जो दूध होता है उससे 1 किलो प्रोटीन बनता है, वे प्रोटीन बनता है। एंड वे प्रोटीन कोई बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। वे प्रोटीन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आप अपने घर में दही जमाते हैं, तो जब दही जम जाता है तो उसके ऊपर एक पानी की एक लेयर सी रह जाती है, उससे जो है वे प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। तो वही रॉ मटेरियल होता है जिससे कि वे प्रोटीन जो है ड्राइव किया जाता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, एकदम देसी चीज़ है, ठीक है। एंड आप लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि प्रोटीन लेने से तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आपके मसल्स बन जाएंगे। बहुत सारे फीमेल्स के मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं कि इसको लेने के बाद हमारी ऐसे मसल्स तो नहीं बन जाएंगे क्या, हमारा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वेट का बढ़ना कम होना आपके डेली बेसिस पे आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैलोरी सरप्लस में खाना खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आपका वेट कम होगा। और अगर आप कैलोरी जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसके अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं, तो ना ही आपका वेट बढ़ेगा ना ही आपका वेट घटेगा। तो प्रोटीन के एक स्कूप लेने से दिन में ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना आपका वेट घटेगा। लेकिन हाँ, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक हाई कैलोरिक मील के साथ में एक स्कूप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके वेट को बढ़ाने में। साथ ही साथ अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप इसे पानी के साथ में या एक लो कैलोरी मील के साथ में ले सकते हैं, ठीक है। और एक फ्लेवर ऐड करने के लिए, बिकॉज प्रोटीन्स में काफ़ी तरह के फ्लेवर होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर होते हैं, तो उस तरह से आप इसे ऐड करके अपना वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजीवा के प्रोटीन एंड हर्ब्स के बारे में, क्या है इसके न्यूट्रिशन कंटेंट, एंड मैन एंड वीमेन दोनों का ही मैं आपको बता दूंगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बाय करने का, और अगर आप चेक करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी कर सकते हो। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स है, और ये जो ब्लू कलर वाला है ये मेन के लिए है, और जो पिंक कलर का है वो वुमेन के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे तो वुमेन वाला ही लेना है या मुझे मेन वाला ही लेना है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल चॉइस है, लेकिन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और मेरी एडिटिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, तो अगर आपको ये वाला चीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो सीधा न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट पर करते हैं, क्योंकि ये एक जान होती है किसी भी प्रोडक्ट की, एंड सारी जो भी चीजें हैं यहां पे क्लियर हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स की अगर आप बात करें, तो 100 ग्राम के इस एक स्कूप में, मतलब एक स्कूप इसका 32 ग्राम्स का है, और 100 ग्राम के अंदर
सो 100 ग्राम के अंदर इसके अंदर है 71.7 ग्राम प्रोटीन, एंड एक स्कूप इसका 32 ग्राम का है जिसके अंदर आपको 22.9 ग्राम का जो है प्रोटीन मिलता है। सैचुरेटेड फैट है 2.65, 100 ग्राम में सैचुरेटेड फैट जितना कम हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। और वाइटमिन भी इसके अंदर डाले गए हैं, जैसे कि वाइटमिन ए है, वाइटमिन सी है, वाइटमिन डी है, वाइटमिन ई है। तो ये पूरा जो भी आपका न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी RDA वैल्यूज भी यहाँ पर दी गई हैं। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि डेली बेसिस पे आपके कितने रिक्वायरमेंट है उस वाइटमिन की, उस RDA से पता चल जाता है। सपोज यहाँ पर वाइटमिन ए की RDA वैल्यू 100% है, यानी कि इस सप्लीमेंट से आपकी डेली बेसिस पे वाइटमिन ए की रिक्वायरमेंट 100% जो है ये पूरी कर रहा है। साइड में अगर आप देखें तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है, तो आप चाहें तो उसे भी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और हाँ चलो एक बार हम विमेन का भी देख लेते हैं कि विमेन का न्यूट्रिशन कंटेंट है तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही सेम है। अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपको 71.7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 100 ग्राम के अंदर, वाइटमिन ए 100 ग्राम, 100 इसका 100% RDA है इसका, वाइटमिन सी का, मतलब इनके जो न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स हैं वो वो मैन एंड वीमन दोनों वालों के लिए जो है सिमिलर से हैं, तो वहाँ पे कोई खास फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वीमन वाले में हर्ब्स की बात करिए तो तुलसी डाली गई है, ग्रीन टी डाली गई है, एंड सिनेमन डाला गया है। तुलसी, ग्रीन टी और सिनेमन, सिनेमन क्या होता है, दालचीनी होती है। अब दालचीनी का ऐसा नहीं है कि यार मैन नहीं खा सकते, या तुलसी का ऐसा नहीं है कि यार मैन नहीं खा सकते, या ग्रीन टी का ऐसा नहीं है कि जो मैन नहीं खा सकते। और यहाँ पर आप बात करें जो मैन वाले का है उसमें मोरिंगा डाला गया है, मोरिंगा ऐसी चीज़ नहीं है कि यार जो वीमेन नहीं खा सकती। जिनसिंग का मैं मान सकता हूँ कि ये थोड़ा सा मेल्स के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में फीमेल्स भी कंज्यूम करती हैं जिनसिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मुझे बहुत फ़नी लगी यहाँ पर, अगर आप इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया था 71.7 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स आए हैं, जो ये रिपोर्ट इन्होंने मेंशन करी अपने वेबसाइट पे, उसमें 64.5 ग्राम ही प्रोटीन है इनके 100 ग्राम के उसमें, तो कम हो गया यहाँ पे प्रोटीन, फिर भी लोगों इन्होंने अपलोड किया हुआ है। बट कोई बात नहीं, अगर सही बताऊं तो 64% कंटेंट भी 100 ग्राम के अंदर प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन इस प्रोडक्ट की मुझे प्राइसिंग पसंद नहीं आई काफ़ी, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है एंड इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई है यार। बिकॉज आपको सिर्फ 500 ग्राम का एक प्रोटीन मिल रहा है, 16 से 17 स्कूप्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, एंड उसकी प्राइसिंग 1500 के अप्रॉक्स है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपके लिए सही है। आपको ये क्यों लेना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपकी हेल्दी स्किन के लिए, आपके हेल्दी बालों के लिए। अगर आप विमेन हैं और आपको जो है हार्मोनल इम्बेलेंस का इशू है तो आप ले सकते हैं, मैन हैं वर्कआउट करते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फटीग रहता है तो आप ले सकते हैं, हेल्दी स्किन चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये प्रोटीन सप्लीमेंट। सो न्यूट्रिशन कॉन्टेंट आपने देख लिया है, हर्ब्स भी आपने देख लिया है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं मार्केटिंग है, बट जो है सो है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। तो प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ, प्रोडक्ट ठीक ठाक है और मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो एक चीज़ मैं बताऊँ, इसकी मिक्सिबिलिटी इतनी खास नहीं है, लेकिन अगर आप दूध में लेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे तो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है इसे कंपेयर नहीं कर रहे इंटरनेशनल वे प्रोटीन ब्रांड से, हम यहाँ पर इसे ले रहे हैं सिर्फ अपने स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, या हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फटीग रहता है उसको दूर करने के लिए, या हमें अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए डेली बेसिस पे उसके लिए ले रहे हैं, हम यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के लिए इसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप अच्छे ब्रांड्स के प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं। सो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं और आपको हेयर फॉल, आपकी स्किन ख़राब है, आपको किसी भी तरह की बॉडी में फटीग रहता है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली ये प्रोटीन सप्लीमेंट अपने डाइट में शामिल करना चाहिए।